हेलो, क्लास 12th हिंदी मीडियम के सभी विद्यार्थी, आइए आज की दूसरी वीडियोस। तो पहली वीडियोस में हमने इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लेके चल रहे थे, उसी पर आधारित है दूसरा सवाल। आपका छोटा सा एग्जांपल है, ई की पावर 3x+5 का इंटीग्रेशन करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेट ई की पावर 3x+5 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, 3 dx/dt + 0 हो जाएगा, इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में टी का करेंगे 1 आ जाएगा। dt को उस साइड भेज देते हैं, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं इसको 3x dx = dt। ये अचर पद है तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। dx = 1/3 dt निकाल लिया। अब यहाँ पर अगर रख देंगे, देखिएगा e की पावर 3x+5 को t लेट किया था हमने, तो e की पावर t रख दिया इंटू dx लिखा हुआ है। dx बराबर क्या निकालेगा, 1/3 dt, 1/3 dt हमने पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद में ये 1/3 का स्टैंड अचर पद मतलब बाहर कर लिया, e की पावर t dt हो गया। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, e की पावर x का डिफेंस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x ही होता था, वैसे e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c लगाना मत भूलो। अब जो t की वैल्यू आपने लेट किया था, उस t की वैल्यू उठा करके यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया, और पुटअप करने के बाद में ये आंसर आ गया। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट एक दूसरा क्वेश्चन आपके समक्ष है। क्वेश्चन है cos AX + B का dx का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर AX + B को हमने t ले लिया, और इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि लेट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो AdX = dt, DX = 1/AdT। अब dx बराबर हमने निकाल लिया, क्या किया है, dx बराबर निकाल लिया है, तो dx बराबर यहाँ पर cos AX + B की जगह पे t और +1/dx बराबर क्या होगा, 1/AdT के 1/AdT हमने रख दिया, 1/A बाहर कर दिया, cos t * dt हो गया, 1/A sin t + c हो गया। अब t की जगह पे t की वैल्यू रख दिया, 1/A sin AX + B + c, ये आंसर आ गया। ओके, ये हमने 3 क्वेश्चन आपको बताए, ठीक है, ऐसे करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट वीडियो